हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार झूठ का पुलंदा है। सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को तरह तरह की गारंटियां देते हुए उनको विश्वास दिलाया कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे। बड़े बड़े नेता दिल्ली से आए, उन्होंने बड़े जोर जोर से कहा पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और हिमाचल प्रदेश का सामान्य जनमानस वो प्रभावित, 22 लाख बहनों को पैसे देने का वायदा किया, घोषणा की, गारंटियां की, पहली कैबिनेट में देंगे। किसानों को वायदे किए, गरीबों को वायदे किए, और वायदे किया दीवारें चस्पा कर दी, गारंटियां लिख लिख करके। और जैसे ही सत्ता प्राप्त हुई कांग्रेस पार्टी को, और सभी गारंटियां समाप्त हो गई। और उसके बाद पिछले 20 महीने से लगातार एक ही काम, बार बार बोलते हैं खजाना खाली है, बार बार बोलते हैं कर्जा चढ़ गया, भारतीय जनता पार्टी को और पानी पी पी करके 20 महीने से कोस रहे हैं, पर बेरोजगार ठगा सा रह गया, बहने उनका शोषण हुआ, किसान वो मजबूरी के अंदर बैठा हुआ है, जिनको पहले बिजली 125 यूनिट मिलती थी उनकी वो बंद कर दी, 300 यूनिट तो कहां देनी थी, बसों में किराए बढ़ा दिए, बसों में किराए इस कदर बढ़ा दिए कि आज चलना मुश्किल हो। सीमेंट के दाम घटाने की बात करते थे, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए, डीजल पर वेट बढ़ा दिया, खाने का तेल डिपू में बढ़ा दिया, और केवल इसलिए कि हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत करना। जब गारंटियां दे रहे थे तब मजबूती नहीं थी, आज वो सत्ता प्राप्त करने के बाद दोबारा से एक नए झूठ का सृजन हो गया है। ये सत्ता केवल झूठ के आधार पर बनी है और झूठ के आधार पर चल रही है। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।